वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी वीडियो शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, दरवाजे के नीचे काफी स्पेस है। जब हमारा दरवाजा लगाने वाला मिस्त्री हमारे घर आया तो उसने फर्श की ढाल को देखते हुए दरवाजे को नीचे से काट दिया, जिससे हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे बहुत नीचे से काफी कॉकरोच वगैरह, कई बार छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटी चूहियां वगैरह घर के अंदर प्रवेश कर जाते थे, जो बिल्कुल अनहाइजेनिक लगता था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने घर पर ही निकाला है। इस तरह मैं दो रोड लाई थी कपड़े वाली दुकान से, ये इजली मिल जाती है। कपड़े वाली दुकान पर खाली होती है, इस पर कपड़े लपेटा होता है। अगर आपको ये नहीं मिल रही है तो इसकी जगह आप कोई पाइप भी ले सकते हो, प्लास्टिक पाइप्स, और इस तरह एक सिरे पर रखते हुए इस तरह पाइप को सेट करते हुए, ये गत्ते वाली पाइप है, इसको सेट करते हुए जहाँ तक हमारा दरवाजा है वहाँ तक हम इस तरह निशान लगा लेंगे पेन या पेंसिल से। और इसे हम चाकू की सहायता से कट कर लेंगे, आगे की सहायता से कट कर लेंगे। दो पीस हमें कट करने हैं, जो आगे वाला पीस है वो एक इंच कम कट करेंगे। इस तरह हम पाइप को चाकू की सहायता से कट कर लेंगे। दोनों पाइप हम इसी तरह कट करेंगे। यह हमारे पास प्रिंटेड कपड़ा है, इसको हम लंबाई में खोल लेंगे और जितनी हमारी पाइप की लेंथ होगी उस पर हम एक इंच एक्स्ट्रा कट कर लेंगे और साइड्स को हम इस तरह फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। लेंथ वाली साइड दोनों साइड्स की हम इस तरह सिलाई लगा चुके हैं। अब हम इसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे और 2.5 इंच इस तरह फोल्डिंग कर लेंगे एक साइड, और दूसरी साइड भी इस तरह 2.5 इंच फोल्ड करते हुए सेंटर में निशान दे देंगे। अब हम सबसे पहले चौड़ाई वाली साइड्स को डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। अब हम सेंटर में भी लेंथ वाली साइड फोल्डिंग करते हुए हाफ निशान जो हमने दिया था सिलाई लगा लेंगे हमारी दोनों साइड।
दोनों साइड से हमारी सिलाई लग चुकी है। अब जो ये होल वाली साइड है इसमें हम अपनी पाइप्स डालकर गत्ते वाली जो पाइप थी उनको डालकर सुधा से नक्की कर देंगे। Thank you.